तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetipsinhindi.com। जब आपका पार्टनर आपको ये कहता है ना कि अब ना मुझे तेरे साथ कोई फीलिंग ही नहीं है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये इंसान मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, मुझे बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये वर्ड वो आपके लिए तब भी बोलेगा। पर आपको कई चीज़ें ऐसी लगती होगी कि यार पहले वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पहले उसे मेरी बहुत सारी चीज़ें वो अच्छी लगती थी, अब वो अचानक ऐसे कैसे कर रहा है, अचानक ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल बात बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ता है एक साल से, दो साल से, कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, एंड अगर आप दो साल के बाद मान जाते हो, तीन साल के बाद मान जाते हो, रिलेशन में आते हो और फिर आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तो पॉसिबल है कि वो इंसान भी आपसे इरिटेट हो जाए, वो इंसान भी आपसे एकदम बोर हो जाए जो अभी आपका पार्टनर आपसे हो गया है। ये सारी चीज़ें सही से चलती है बैलेंस रखने से। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब कभी किसी को भी उनका पार्टनर ऐसे कहता है कि भाई अब हमें फीलिंग नहीं है, तो आप इमेजिन करिए मोस्ट ऑफ लोग कैसे रिएक्ट करते होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक ऐसी बात है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो आप अपना दर्द सुनाने लगते हो, आप अपना जो नेचुरल रिएक्शन होता है ना वो करने लगते हो कि ऐसा कैसे है, ठीक है, हाथ पैर जोड़ते हो, रोते हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, फीलिंग वापस आ जाएगी, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहले रिक्वेस्ट करते हैं, झगड़ते हैं, पीछे पड़ते हैं, फिर वो ब्लॉक करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें। पर बुरी खबर ये है कि तमाम तरह के प्रयत्न, इस टाइप के प्रयत्न करने के बाद भी जिनको आपसे फीलिंग नहीं है ना, वो आपकी ऐसी सारी चीज़ें करने से और आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आपकी इन चीज़ों से वो और ज़्यादा परेशानी हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह समझना चाहिए कि भाई जो इंसान तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे केयर से, तुम्हारे इतने करीब आने से इरिटेट हो रहा है, अब तुम उनके साथ एक तरह से जबरदस्ती वाले सीन में आ गए। हालांकि तुम्हारे लिए तुम्हारे इमोशन है, लेकिन तुम चाहते हो उनको कन्विंस करना कि नहीं रहो मेरे साथ, रहो रहो, ठीक है, तो प्यार से उग गया, इन चीज़ों से वो डबल होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका पार्टनर आपको कहता है कि भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर वन चीज कि 0-5, आपको किसी भी तरह से उनके सामने कोई भी शिकायत करनी नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये वो, जो जो कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो, रोते हो, बुरा लगा है, ये कुछ भी आपको रिएक्ट नहीं करनी। दूसरी तरह की चीज़ है कि हो सकती है उतनी अपनी एफर्ट कम कर दो। एफर्ट मतलब आप जो केयर करते हो, प्यार दिखाते हो, या जो कुछ भी चीज़ें, या बहुत ज़्यादा बातें करते हो, ये सारी चीज़ें कम करने का प्रयत्न करो, हो सके उतनी कम रखिए। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको उन्हें इग्नोर करना है, आपको उनको ब्लॉक कर देना है या गुस्सा दिखाना, कुछ नहीं। आपको उनको ऐसा दिखाना है कि ओके उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, लेकिन कोई बड़ी ऐसी इतनी चीज़ नहीं बन गई जहाँ पर आप हिल जाओ, आप दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। आपके जो अंदर रियल में चल रहा है ना, वो चीज़ें दिखाना नहीं है। आपको उनके साथ कनेक्ट रहना है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है। पर ये ध्यान रखो कि इतना डिस्टेंस नहीं जहाँ पर वो आपको नोटिस नहीं कर पाए। हाँ, अभी वो कुछ टाइम के लिए तो आपको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हम उनकी लाइफ में इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे कि हम उनकी लाइफ में इस बात का उनको एहसास होना ही बंद हो गया था। अब जो तुम्हें काम करना है कि उनकी नज़रों के सामने रहते हुए, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, लेकिन नेचुरली उनकी नज़रों के सामने रहते हुए आप अच्छी तरह से रहो। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करते हो, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती है अपने पार्टनर के बिना, हालांकि आपका ये सारी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आप ये सारी चीज़ दिखाते हो कि ये सब कुछ होने के बाद भी आप टूट नहीं गए हो, आप बिखर नहीं गए हो, आप अपनी लाइफ में कुछ फन कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो। एंड कुछ टाइम आपको ऐसा करना है, स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन धीरे 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 उनका जो अटेंशन है ना, वो आपको वापस से मिलने लगेगा। क्योंकि चीज़ ये थी कि पहले तो हम उनके बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, एंड हमारा इमोशन बहुत ज़्यादा, हम पर्सनल हो गए थे, उनको थोड़ी सी पेस नहीं थी,
तो थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में रिफ्रेश होना जो बनता है वो बन ही नहीं रहा था। कहने का मतलब ये है कि लंच के बाद डिनर जब होता है तो एक टाइम निकल जाता है, जो आपने खाया ना वो पच जाता है अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लंच आपके पेट में वो पचा ही नहीं है, ठीक है, तो आपका पेट भरा भरा रहेगा और आपका डिनर का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपको उन चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि फीलिंग अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि उनका इंटरेस्ट जो हमसे वो परेशान होने लगे, बोर होने लगे, वो चीज़ यहाँ से इतना करने के बाद आप देखोगे, आप कुछ डिस्टेंस बनाते हो लेकिन फिर भी थोड़ा कनेक्शन रखते हो। उनकी जो एक बोरियत थी ना आपसे, कि जिन्होंने कह दिया था कि फीलिंग ही नहीं है, वो चीज़ें रिकवर हो जाएगी, उनका अटेंशन आपको मिलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी पूरी हेल्प कर पाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।